नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम नीच के ग्रहों के अशुभ फलों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। यानी कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो वह किस प्रकार का अशुभ फल अपनी दशा अथवा अंतरदशा में दे सकता है, इस विषय को जानेंगे। और साथ साथ क्या नीच के ग्रह हमेशा ही अशुभ फल देते हैं या हमेशा ही क्या खराब फल देते हैं, इसे भी हम समझेंगे। और ये भी जानेंगे क्या नीच के ग्रह शुभ फल भी देते हैं, अगर कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो वह कब शुभ फल दे सकता है, इसे समझेंगे। और साथ साथ कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच का दिख रहा है, यानी कई बार होता ही है कि हमें कुंडली में कोई ग्रह नीच का दिखता है क्योंकि वह नीच राशि में स्थित होता है, ठीक है, परंतु वास्तव में क्या वह नीच का रिजल्ट हमें दे रहा है अथवा नहीं, इस विषय को जानेंगे। और साथ साथ अगर किसी ग्रह की दशा अथवा अंतरदशा में कोई नीच का ग्रह आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उसके उपाय आप किस प्रकार से कर सकते हैं, इसे भी आज समझने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेने का प्रयास किया गया है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। आइए ग्रहों के राजा सूर्य से शुरुआत करते हैं। यदि सूर्य ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो, वहाँ पर 7 नंबर का अंक लिखा हो, तो समझ लें कि सूर्य जो है नीच का है, ठीक है। अब नीच का सूर्य किस प्रकार का फल देगा, आइए समझते हैं। ध्यान रखें, जब कभी भी सूर्य नीच का होता है तो आँखों की ये समस्या दे सकता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह सकती हैं, मान सम्मान में कमी होना, इसके अलावा व्यक्ति निम्न स्तर के कार्यों में संलग्न हो सकता है, ऐसे कार्य जिससे कि उसकी मान प्रतिष्ठा में हानि पहुंचे, इस प्रकार के कार्य व्यक्ति कर सकता है यदि सूर्य नीच का होता है तब। लेकिन पूरी बात समझना थोड़ा सा आवश्यक है। ध्यान रखें, किसी भी भाव में अगर 7 नंबर का अंक लिखा है, वहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि सूर्य नीच का ही है। ये कैसे तय करेंगे, हमें देखना होगा सूर्य की डिग्री। यानी सूर्य अगर 10 डिग्री तक है, 0 से लगा के 10 डिग्री तक सूर्य है, तो समझ लें कि सूर्य नीच का है। 10 डिग्री तक ही सूर्य जो है तुला राशि में नीच का रह सकता है। यदि 10 डिग्री से ज़्यादा का सूर्य हुआ तो फिर सूर्य सामान्य प्रकार का प्रभाव देगा, ठीक है। तो किसी भी भाव में सूर्य बैठ सकता है, वहाँ पर 7 नंबर का अंक लिखा हो सकता है, तो ये आप देख लें। इसके अलावा लग्न को भी हमें देखना होगा कि किस लग्न की कुंडली है, ठीक है। मान लीजिए कि मेष लग्न की ही हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली ले लेते हैं हम। और अब मेष लग्न की कुंडली में आप जानते हैं कि पंचम भाव में 5 नंबर की राशि आती है, ठीक है, यानी सिंह राशि होती है और इसका स्वामी सूर्य होता है। अब मान लीजिए सूर्य यहाँ पर ना बैठकर 7 नंबर लिखा है जहाँ पर वहाँ बैठ गया, यानी सूर्य अगर नीच का हो जाता है तब क्या होगा। पंचम भाव से हम किस बात का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, शिक्षा का विचार करते हैं, तो इनसे संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को खराब रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। निर्भर करेगा कि नीच के सूर्य पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर पड़ रही है तो इसके जो अशुभ प्रभाव होता है उसमें कमी आती है, ठीक है। अगर मान लीजिए सूर्य के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तब भी इसके बुरे प्रभाव में ये कमी ला देगा, तो हमें सारी बातें भी विचार करनी होगी। अगर कोई ग्रह युति बनाकर बैठा है तो उसका भी अपना एक विशेष प्रभाव होता है। अब ये निर्भर करेगा कि वह सूर्य का मित्र ग्रह अगर हुआ, तात्कालिक मित्र ग्रह, तो कह सकते हैं कि जो सूर्य नीच का हो रहा है तो उसकी निष्ठा भंग हो जाएगी। अब जब निष्ठा भंग हो जाएगी तो सूर्य जो है अशुभ प्रभाव नहीं देगा। तो अब सवाल उठता है कि सूर्य शुभ प्रभाव देगा, नहीं, सूर्य के सामान्य प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं, विशेष रूप से जब सूर्य ग्रह दशा अथवा अंतरदशा में आएगा, ठीक है। आइए अब चंद्रमा पर विचार कर लेते हैं। अब किसी भी खाने में मान लीजिए 8 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लें कि वहाँ वृश्चिक राशि होगी, और चंद्र लिखा है तो समझ लें कि वृश्चिक राशि में चंद्र जो है वो आपका नीच का फल देता है। लेकिन कितने तक डिग्री तक देता है, 3 डिग्री तक मात्र, यानी 3 डिग्री तक अगर चंद्रमा का अंश है तभी नीच का कहलाएगा, अन्यथा वह सामान्य प्रकार के रिजल्ट देगा। प्रभाव कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। चंद्रमा देखिए किन चीज़ों का कारक है, माता का कारक है, मन का कारक है, व्यक्ति की मानसिक कल्पनाओं का कारक है, तो इनमें व्यक्ति को कमी देखने को मिलेगी। अब माता का कारक है, कमी देखने का तात्पर्य क्या, तात्पर्य यह है कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां माँ को हो सकती हैं, किसी प्रकार की चिंता परेशानी हो सकती है, इस चीज़ को ये बताता है। लेकिन 3 डिग्री से ज़्यादा का अगर चंद्रमा हुआ तो फिर सामान्य प्रकार के प्रभाव देगा चंद्र सामान्य प्रकार के प्रभाव देगा। निर्भर करेगा कि किस भाव में स्थित है, ठीक है। अन्य बातें भी विचारनी होती, जिस पर अभी हमने सूर्य की जब बात कर रहे तब चर्चा की थी, उसी प्रकार की बातें आपको चंद्र के विषय में भी देखना होगा। अगर कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो इसके उपाय क्या हो सकते हैं, इनको मैंने लास्ट में बताया हुआ है, तो आप कृपया वीडियो को पूरा देखें। अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। ध्यान रखें, लग्न कुंडली के किसी भी भाव में मंगल ग्रह बैठा हो और वहां पर 4 नंबर का अंक लिखा हो तो समझ लें कि कर्क राशि होगी, और कर्क राशि में मंगल जो है नीच का फल देता है।
लेकिन ध्यान रखना होगा हमें कि मंगल ग्रह कर्क राशि में 28 डिग्री तक नीच का फल देता है। 28 डिग्री से अगर अधिक का हुआ तो वह सामान्य प्रकार का फल देगा। किस प्रकार के फल दे सकता है, ध्यान रखें, व्यक्ति के पराक्रम में कमी आ सकती है, क्योंकि मंगल साहस और पराक्रम का कारक होता है, भूमि का कारक होता है, इन चीज़ों में व्यक्ति को कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मंगल व्यक्ति के उग्र स्वभाव को बताता है। अब क्योंकि अगर मंगल नीच का हुआ तो व्यक्ति का स्वभाव उग्र हो सकता है। आइए बात कर लेते हैं बुध ग्रह के विषय में। ध्यान रखें, बुध ग्रह किसी भी भाव में बुध बैठा हो और वहां पर 12 नंबर का अंक लिखा हो तो समझ लीजिए कि मीन राशि होगी वहां पर, और मीन राशि में बुध जो है आपका नीच का माना गया है। लेकिन ध्यान रखें, बुध ग्रह 15 डिग्री तक ही नीच का हो सकता है, ठीक है। यानी 12 नंबर का अंक लिखा हो किसी भाव में और बुध बैठा हो तो समझ लें कि बुध नीच का है, लेकिन 15 डिग्री तक ही नीच का होता है। अब ये फल किस प्रकार के देगा तो आइए समझते हैं। देखिए, अगर बुध ग्रह जब भी नीच का होता है तो व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, मानसिक रूप से व्यक्ति कह सकते हैं कि बौद्धिक रूप से भ्रमित हो सकता है, यानी वह निर्णय नहीं कर पाता है कई बार कि उसे क्या निर्णय लेना है क्या नहीं लेना है। अब बुध किन चीज़ों को कारक है, वाणी का कारक है, ठीक है, तो वाणी में कठोरता आ सकती है व्यक्ति की। इसके अलावा उसके कुटुंबी जन है उनके द्वारा वह अपमानित भी हो सकता है। इस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कब, जब बुध ग्रह की दशा अथवा अंतरदशा आती है तब। अगर बुध 15 डिग्री से ज़्यादा का हुआ तो बुध के सामान्य प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बुध ग्रह के पास यदि मान लीजिए कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है जो उसका मित्र है, या फिर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है जिसके कारण बुध ग्रह की नीचता भंग हो जा रही है, तब फिर इन प्रभावों में कमी देखने को मिलती है। यानी व्यक्ति को फिर जो बुध ग्रह के निगेटिव रिजल्ट ना मिलके सामान्य प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा उपाय अगर वह कर लेता है तो उपाय के द्वारा भी बुध ग्रह के जो बुरे प्रभाव अगर मिल रहे हैं तो उनमें कमी लाई जा सकती है। आइए बात करते हैं गुरु ग्रह के विषय में। ध्यान रखें, कुंडली के किसी भी भाव में, मैंने यहाँ पर केवल समझने के उद्देश्य से एक ही जगह पर राशियों के अंक और ग्रह लिख दिए हैं, लेकिन आप चेक कर सकते हैं किसी भी भाव में 10 नंबर का अंक लिखा हो और वहाँ गुरु बैठा हो तो समझ लें कि गुरु नीच का है। फिर मकर राशि में गुरु नीच का होता है, लेकिन ध्यान रखें, वही आपको देखना होगा कि डिग्री गुरु जो है मकर राशि में केवल 5 डिग्री तक ही नीच का हो सकता है। अगर गुरु ग्रह नीच का हो रहा है तो ध्यान रखें ये वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न खड़ी कर सकता है, जीवन में अस्थिरता ला सकता है। और इसके अलावा गुरु जिन चीज़ों का कारक है, शिक्षा का कारक है, ज्ञान का कारक है, ठीक है, धर्म का कारक है, इन चीज़ों में व्यक्ति को कमी देखने को मिल सकती है। मान लीजिए गुरु ग्रह नीच का ही है और अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या गुरु ग्रह की नीचता भंग हो जाए तो ऐसी स्थिति में फिर गुरु ग्रह के अच्छे रिजल्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी गुरु जिन चीज़ों का कारक है वो, और इसके अलावा गुरु जिस भी लग्न की कुंडली में जिस भी भाव का भावपति बन रहा है उस भाव से संबंधित फिर अच्छे या बुरे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर निष्ठा भंग हो गई तो शुभ रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और अगर निष्ठा भंग नहीं हुई तो अशुभ रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब किस ग्रह की निष्ठा कब भंग होती इसके विषय में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर इसे चेक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं शुक्र ग्रह के विषय में, काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है ये। ध्यान रखें, शुक्र कहीं पर भी किसी भी भाव में 6 नंबर का अंक लिखा हो, किसी भाव में 6 नंबर का अंक लिखा हो तो समझ लें कन्या राशि है वहाँ, और कन्या राशि में शुक्र अगर बैठा हुआ है, यानी जहाँ पर 6 नंबर का अंक लिखा हो वहाँ पर शुक्र भी बैठा हो तो समझ लें कि शुक्र नीच का होता है फिर कन्या राशि में। और शुक्र जो है आपका काफ़ी ज़्यादा अंशों तक, यानी 27 डिग्री तक नीच का माना जाता है कन्या राशि में, ठीक है। तो इसके प्रभाव किस प्रकार के हो सकते हैं आइए समझते हैं। 27 डिग्री से ज़्यादा का हुआ तो फिर सामान्य प्रकार के प्रभाव शुक्र देगा, लेकिन मान लीजिए कि शुक्र ग्रह नीच का ही हो रहा है तो फल किस प्रकार के होंगे। तो कन्या राशि में जब भी शुक्र नीच का होता है तो ये व्यक्ति को कुमार्ग की तरफ ले जाता है, यानी बुरे कार्यों की तरफ व्यक्ति को संलग्न करता है, लिप्त करता है बुरे कार्यों में। बुरे कार्यों का मतलब है विपरीत लिंगी के प्रति व्यक्ति आकर्षित होता है, और जिसके कारण वह अपना जीवन खराब कर सकता है। यानी इस प्रकार की प्रेरणाएँ व्यक्ति को, अंतः प्रेरणाएँ मिल सकती हैं देखने को। अगर शुक्र ग्रह की नीचता भंग हो जाती या शुक्र ग्रह किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाता है तब फिर शुक्र के बुरे प्रभाव में कमी देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। मान लीजिए कि शुक्र की नीचता भंग नहीं हो रही है या फिर बुरे रिजल्ट आपको देखने को अगर मिल रहे हैं तब इसके उपाय आप कर सकते हैं, उपायों के द्वारा इसमें काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकती है, जिसकी चर्चा हम अभी आगे करने वाले हैं। आइए अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह के विषय में। ध्यान रखें, किसी भी भाव में यदि 1 नंबर का अंक लिखा है
तो समझ ले मेष राशि होगी और वहां पर शनि ग्रह बैठा है, तो मेष राशि में शनि ग्रह नीच का होता है। लेकिन ध्यान रखें अधिकतम 20 डिग्री तक ही शनि ग्रह वहां पर नीच का हो पाता है, इससे ज़्यादा का हुआ तो सामान्य प्रकार का रिजल्ट देगा। समस्याएं किस प्रकार की देता है, ध्यान रखें स्नायु तंत्र से संबंधित समस्याएं देता है व्यक्ति को। ये व्यक्ति बुरे कार्यों की ओर आकर्षित हो सकता है, ऐसे कार्य जिनसे जिनको समाज में बुरा माना जाता है, ठीक है, उनके प्रति व्यक्ति का आकर्षण हो सकता है और जॉब प्राप्त करने में भी व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब उपायों पर विचार कर लेते हैं। यदि आपकी कुंडली में नीच के ग्रहों से संबंधित किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव देखने को मिले, तब आप निम्न प्रकार के उपायों को करके भी उन ग्रहों से मिल रहे अशुभ प्रभाव में कमी ला सकते हैं। उपाय कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। सूर्य ग्रह के मान लीजिए अगर आपको अशुभ प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, तब आप नित्य भगवान सूर्य को जल से अर्घ दें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, तो आपको सूर्य से संबंधित जो अशुभ प्रकार के अगर रिजल्ट मिल रहे होंगे तो उनमें कमी आ जाएगी। यदि चंद्र से संबंधित, यदि चंद्रमा ग्रह किसी की कुंडली में अगर नीच का हो रहा है, तब आप उससे संबंधित निम्न उपाय कर सकते हैं। यानी प्रतिदिन भगवान शिव को, प्रतिदिन या प्रति सोमवार भगवान शिव को दुग्ध मिश्र जल से अभिषेक करें, मन शांत होगा और चंद्रमा के बुरे प्रभावों में कमी देखने को मिलेगी। यदि मंगल ग्रह अशुभ हो रहा है या फिर शनि ग्रह अशुभ हो रहा है, तब आप मंगलवार अथवा शनिवार को सुंदरकांड करवा सकते हैं या स्वयं भी कर सकते हैं। यदि बुध ग्रह नीच का हो रहा है और बुध ग्रह के बुरे प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं, तब आप प्रति बुधवार को भगवान श्री गणेश को, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, गोल सुपारी अर्पित करें या बुधवार का व्रत भी रह सकते हैं। इसके अलावा बुध का वैदिक मंत्र अथवा बीज मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। इसी प्रकार गुरुवार को यदि गुरु ग्रह से संबंधित फल मिले, तब प्रति गुरुवार को आप गुरु के वैदिक मंत्र अथवा बीज मंत्र से उपचार कर सकते हैं। इसी प्रकार शुक्रवार को यदि शुक्र से संबंधित बुरे प्रभाव देखने को मिले, तो शुक्रवार को आप शुक्र के वैदिक मंत्र अथवा शुक्र के बीज मंत्र से भी जप कर सकते हैं, तो आपको इन ग्रहों से संबंधित बुरे प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।